Hello students, how are you all? I hope you all are doing good and today I welcome you in my class. In today's class we'll be doing the next chapter of your science book. So are you all ready? Aap sab ready hain? Is class mein hum aapki book ka chapter 4 jo hai aapka the world of birds. Kya karne wale hain? The world of birds. So let's get into the chapter aur hum birds se thoda sa aur zyada known hote hain. Okay? So in this chapter we will learn about types of birds, feathers. Birds कितने types की होती हैं? Feathers यानी कि जो उनके पंख होते हैं वो, उनकी beaks. Beaks यानी क्या होता है बेटा? चोंच. और feet and claws. Claws feet मतलब उनके पाँव और उनके पंजे जिसके वजह से वो बैठ पाते हैं कहीं पे, किसी को पकड़ पाती हैं, right? उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. ये एक warm up exercise है. Look at the pictures given below and write the name of these birds in the given spaces. तो आप देख के बता सकते हैं कौन सी बर्ड्स है. ये कौन सी बर्ड है आपकी? ये रंग बिरंगी क्या है हमारा? पैरट है. देन ये क्या है? ये हेन है. दिस इज अ क्रो एंड दिस इज एन ईगल. ओके, सो कैन यू सी द क्लॉज ऑफ ईगल and hen, crow, hen and parrot. They are having different claws. Also their beaks are different. इन सब के बारे में हम chapter में detail में पढ़ेंगे. चलिए start करते हैं introduction. Introduction is, birds are most beautiful and colorful animal found on earth. Animal हमारा एक बहुत बड़ा group है जिसके अंदर birds, animals, insects सब आते हैं. Birds क्या हैं? Most colorful animal found on the earth. All birds have, क्या क्या होता है birds के पास? Wing होता है, feather होता है, beaks होते हैं. Okay, they fly with the help of their wings, से fly करते हैं. The wings are attached to the body with the help of muscles. और वो wings कैसे attach होती हैं body से? ये wings attach हैं body से with the help of muscles. And these muscles help to move the wings up and down. कैसे move करते हैं वो? up down move करते हैं ना, right? और फॉरवर्ड और बैकवर्ड. एक मोमेंट होती है अप डाउन, एक मोमेंट होती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड. ये सब किसके वजह से होता है? वो जो मसल्स अटैच्ड है उस वजह से होता है. अभी एक पिक्चर देखिए. पार्ट्स ऑफ अ बर्ड्स बॉडी क्या क्या हो गए? बीक इंपॉर्टेंट है. जो भी उसका खाना वगैरह वो खाएगी बीक के थ्रू खाएगी. देन कम्स विंग्स. विंग्स उसको उड़ने में, बर्ड है तो उसकी स्पेशलिटी क्या है? वो उड़ेगी तो कौन हेल्प करता है उसमें? विंग. फ्लाइट फेदर. फ्लाइट फेदर मतलब ये जो उड़ने के लिए उसके पंख हैं वो है, फ्लाइट मसल्स हैं. टेल फेदर, ये टेल उसकी जो पूंछ है, पूंछ के पंख हैं या पूंछ के बाल हैं आपके. और ये क्या? उसका फीट. फीट हो गए उसके. और ये डाउन फेदर, जो नीचे की तरफ की उसकी बॉडी के ऊपर फेदर रेशे रहते हैं वो है. फैक्ट इज द पेरेग्राइन फाल्कन वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बर्ड कैन रीच स्पीड अप टू 390 किलोमीटर पर आवर. जो हमारी एक बर्ड है पेरेग्राइन फाल्कन, कौन सी बर्ड है? पेरेग्राइन फाल्कन. वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट बर्ड है और उसकी स्पीड कहाँ तक पहुँच सकती है? 390 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच सकती है. ओके, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ बर्ड्स. टाइप्स ऑफ बर्ड्स क्या है? थ्री मेन टाइप्स ऑफ बर्ड्स है हमारी. कितनी? थ्री मेन टाइप ऑफ बर्ड. पहली है हमारी फ्लाइंग बर्ड. फ्लाइंग बर्ड मोस्टली बर्ड फ्लाई करती हैं. बर्ड्स को हम उड़ने से उनको रिलेट करते हैं, है ना. सो द बर्ड्स विच कैन फ्लाई, मोस्टली फ्लाई कर सकते हैं. उनके बॉडी पार्ट जो होंगे वो इस तरीके से शेप्ड होते हैं कि वो बर्ड को किस किस में हेल्प करेंगे? उड़ने में. अब उड़ना है तो चीज़ बहुत हैवी है तो उड़ नहीं पाएगी, राइट? तो उनको फ्लाइंग बर्ड्स आर मोर लाइट वेट. कैसी होंगी? लाइट वेटेड होंगी बिकॉज दे हैव स्पेशल हॉलो बोन्स. क्या है उनके पास? गॉड ने उनको क्या दिया है? गॉड ने उनको स्पेशल बोन्स, हॉलो बोन्स दिए हैं ताकि वो लाइट रहे और वो उड़ सके. एंड दिस हेल्प्स देम टू फ्लाई इजिली फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? द बॉडी ऑफ फ्लाइंग बर्ड इज शेप्ड लाइक अ बोट. ये भी हमें याद रखना है. ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड पॉइंट है. इसे हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी. क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन बॉडी. जैसे बोट होता है ना पानी में, वो क्या करता है? वॉटर करेंट्स को पार करके आगे बढ़ता रहता है. वैसे ही एयर करेंट्स में उनकी जो बॉडी होती है बोट के शेप, जिसे हम स्ट्रीम लाइन शेप, कौन सी शेप? स्ट्रीम लाइन शेप कहते हैं. वो हेल्प करती है उनको फ्लाई करने में. नेक्स्ट है द टेल फेदर हेल्प द बर्ड टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग. उसके टेल में जो फेदर होते हैं
टेल फेदर देखा था ना हमने बर्ड्स की बॉडी में, वो क्या करते हैं उसको डायरेक्शन चेंज करने में, जैसे फिन्स याद है आपको, फिशेज में फिन्स होते हैं, इनमें टेल फेदर क्या करते हैं डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं. एंड ऑल्सो द एबिलिटी टू फ्लाई क्या हेल्प करता है उन्हें, उनको फूड हंट करने में, एनिमीज से बचने में, और उनको बैड वेदर में माइग्रेट करने में उनके ये बॉडी टाइप जो उनको हेल्प करता है. अब हमने फर्स्ट क्लास ऑफ बर्ड देख ली, सेकेंड क्लास ऑफ बर्ड क्या है हमारा, फ्लाइटलेस बर्ड. क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड. फ्लाइटलेस बर्ड का मतलब क्या, जो उड़ नहीं सकती हैं. कौन कौन सी बर्ड्स हैं वो, देर आर अ क्लास ऑफ बर्ड जो उड़ नहीं सकती हैं. ऑल दो इट इज ट्रू दैट ऑल दी बर्ड्स हैव विंग्स, सबके पास विंग्स हैं, बट दैट डज नॉट नेसेसरली मीन्स दैट दे ऑल कैन फ्लाई. पंख हैं मगर उन पंखों के थ्रू वो उड़ सके वो जरूरी नहीं है. कैसे हम देखते हैं, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई बिकॉज दे हैव सॉलिड एंड हैवी बोन्स, उनकी बोन्स हॉलो नहीं है, वो बहुत हैवी हैं तो वो उड़ नहीं सकती. फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, ईमू, रीहा, पेंगुइन एंड किवी. कौन कौन? ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, रीहा, किवी और एक होती है हमारी ईमू. ओके, ये बर्ड्स उड़ नहीं सकती, इनको हम कहते हैं फ्लाइटलेस बर्ड. ऑस्ट्रिच इज अ फास्ट रनर एंड पेंगुइन इज अ गुड स्विमर. अब अगर ये उड़ नहीं सकती तो कैसे अपने लाइफ को सर्वाइव करेंगी, इनके पास कुछ अलग अडाप्टेशन होती है. जैसे हमने देखा ऑस्ट्रिच इज अ गुड वेरी फास्ट रनर, बहुत फास्ट रन कर सकती है, और पेंगुइन क्या है, गुड स्विमर है, राइट. नेक्स्ट देखते हैं हम एक्वेटिक बर्ड्स. एक्वेटिक बर्ड्स क्या हैं? एक्वेटिक बर्ड्स वो हैं बर्ड्स दैट लिव ऑन और अराउंड वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक बर्ड. पानी के आसपास या पानी में रहने वाले बर्ड्स को हम एक्वेटिक बर्ड कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल देख रहे हैं, डक, स्वान, क्रेन, हेरॉन, दे हैव स्पेशल ऑयल ग्लैंड्स. क्या होते हैं ऑयल ग्लैंड्स? सो दैट देयर फेदर्स डू नॉट रॉट. उनके पास स्पेशल ऑयल ग्लैंड्स हो ताकि पानी में रह रहे के उनके फेदर्स खराब ना हो. डक्स, स्वान, क्रेन्स एंड हेरॉन्स आर सम ऑफ द एक्वेटिक बर्ड्स. ओके, अब फेदर 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 हम पढ़ रहे हैं तब से, तो फेदर है क्या? फेदर आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बर्ड की बॉडी का. फेदर आर अटैच टू द विंग्स, फेदर उनके जो पंख से अटैच होते हैं, है ना. डिफरेंट काइंड हैव, डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फेदर, डिफरेंट कलर्स होते हैं उनके फेदर का. अ बर्ड हैज थ्री टाइप ऑफ फेदर. कितने कितने टाइप के? थ्री टाइप के. एक होता है उनका डाउन फेदर, एक होता है फ्लाइट फेदर, और एक होता है बॉडी फेदर. वो जो रेशे होते हैं, वो जो हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, डाउन फेदर क्या होंगे? सॉफ्ट एंड फ्लफी फेदर. डाउन फेदर मतलब बॉडी के डाउन वाले पार्ट में प्रेजेंट हैं, सॉफ्ट होंगे, फ्लफी होंगे. दे ग्रो क्लोज टू द स्किन एंड ट्रैप एयर विच कीप्स द बर्ड वार्म. इनका काम क्या है, हेयरी स्ट्रक्चर्स का काम क्या है, वो ट्रैप करें एयर को और बर्ड को क्या रखें, वार्म रखें. फ्लाइट फेदर क्या होते हैं, ये लार्ज होंगे साइज में और टेल्स और विंग्स में होंगे. कहाँ होंगे? टेल्स और विंग्स में, और ये बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करेंगे. देन आपका आता है बॉडी फेदर. बॉडी फेदर क्या होंगे, ये पूरी बॉडी को कवर करेंगे, उसको स्ट्रीमलाइन शेप देंगे और वाटर प्रूफिंग शेप भी देंगे ताकि वो इजीली उड़ सके, राइट. अब एक डू यू नो देखिए, बर्ड शेड देयर फेदर एटलीस्ट वंस अ ईयर. उनके जो फेदर हैं वो कम से कम साल में एक बार शेड होते हैं और फिर न्यू आते हैं. फेदर देखा हमने थ्री टाइप का, डाउनवर्ड फेदर, फ्लाइट फेदर एंड बॉडी फेदर. अब आते हैं बीक्स पे. बर्ड्स डू हैव टीथ, बर्ड्स के पास टीथ भी होती हैं. दे ईट विद देयर बीक्स, वो अपनी बीक के थ्रू खाती हैं. डिफरेंट बर्ड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स. द शेप ऑफ बर्ड्स बीक डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ फूड इट ईट. उसके बीक की कैसी शेप होगी किस पे डिपेंड करेगा, जैसा उसे फूड खाना है. ये हमने कार्निवोर हर्बीवोर में भी देखा है, फूड के अकॉर्डिंगली हमारे टीथ एंड हमारे पास तो बीक नहीं है, बर्ड्स के पास बीक है तो उनकी मॉडिफिकेशन होगी. अ पैरट हैज अ शॉर्ट कर्व्ड बीक टू ब्रेक ओपन एंड ईट अ वेराइटी ऑफ नट्स एंड सीड्स. क्या है? शॉर्ट एंड कर्व्ड बीक है क्योंकि उसको नट्स वगैरह को तोड़ के खाना होता है. देन बर्ड्स लाइक ईगल, आव एंड हॉक्स हैव शार्प हुक्ड और कर्व्ड बीक. क्या है? शार्प्ड, हुक्ड, ये देख रहे हैं हुक्ड,
हुक्ड और कर्व्ड बीक होती है टू टियर द फ्लैश ऑफ स्मॉल एनिमल. क्या करनी होती है इनको, फ्लैश ऑफ स्मॉल एनिमल्स टियर करना होता है, इसलिए इनकी क्या है, हुक्ड बीक है. सॉरी. स्पैरोज हैव शॉर्ट थिक बीक टू पिक अप सीड्स एंड ग्रेन्स. अब क्या है, स्पैरो की क्या होती है, उनको ग्रेन्स को पिक करना होता है, तो अगर वो हुक्ड होगी तो नहीं कर पाएंगे, तो स्पैरोज की शॉर्ट होती है, थिक होती है, सो दैट दे कैन पिक अप सीड्स एंड ग्रेन्स. ओके. हमिंग बर्ड की ये चार्ट हमें याद रखना है. हमिंग बर्ड की कैसी होती है बीक, लॉन्ग बीक विच डिप्स इन टू फ्लावर टू सक नेक्टर. उसको फ्लावर में डीप अपने उसको डालना होता है अपनी बीक को, ताकि वो नेक्टर को सक कर सके. राइट. नेक्स्ट है हमारा, अ डक हैज ब्रॉड फ्लैट बीक्स विद होल्स एट द साइड फॉर एक्सेस वाटर एंड इनएडिबल ऑब्जेक्ट्स टू फ्लो आउट. डक की कैसी होती है, ब्रॉड, ब्रॉड है और फ्लैट है. राइट. होल्स होते हैं साइड में, ताकि एक्सेस वाटर और इनएडिबल ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर निकल सके. देन वी सी वुडपेकर. वुडपेकर की अगर हम बीक देखें तो स्ट्रॉन्ग विद अ चिजल लाइक टिप फॉर ड्रिलिंग होल्स इन वुड टू ईट इंसेक्ट. ये बिल्कुल टिप क्या है इसकी, टिप जो है वो पॉइंटेड है. राइट. ताकि ये होल्स ड्रिल कर सके. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी बीक्स. हमने फेदर देखा, बीक्स देखा, अब आते हैं हम फीट्स एंड क्लॉज पे. अ बर्ड हैज टू फीट. बर्ड यूज देयर फीट एंड क्लॉज टू कैच फूड, प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड सिट ऑन दी ट्री ब्रांचेस. इन सब कामों के लिए अपने क्लॉज का यूज करते हैं, अपने फीट का यूज करते हैं. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट. जैसे बीक्स अलग अलग थी, फीट भी अलग अलग है और क्लॉज भी अलग अलग है. डिस्क्रिप्शन, यहाँ डिस्क्रिप्शन और यहाँ शेप है. इस तरीके शेप आप किस में देखते हैं, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल जिनको टीयर करना है, तो उनके बीक के साथ साथ उनके क्लॉज भी हेल्प करेंगे. सो जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं, दे यूज देयर शार्प एंड कर्व्ड क्लॉज टू कैच देयर प्रे. जैसे हमारे ईगल की भी होगी, हॉक्स की भी होगी. राइट. नेक्स्ट, क्रोज हैव लॉन्ग बैक टो पॉइंटिंग बैकवर्ड. क्या होते हैं, क्रोज हैव लॉन्ग बैक टो, ये देख रहे हैं आप, पॉइंटिंग बैकवर्ड. कहाँ पॉइंट कर रहे हैं ये, बैकवर्ड, विच लेट देम ग्रैब अ ब्रांच और वायर टाइटली. जब ये भी ये किसी ब्रांच पे या वायर पे बैठेगा तो अपने पीछे लॉन्ग से अच्छे से होल्ड करके बैठेगा. ओके. नेक्स्ट, हैंड्स हैव नेल लाइक शार्प. अब देखिए हैंड्स के पास क्या होते हैं, नेल लाइक शार्प क्लॉज होते हैं फॉर स्क्रैचिंग द ग्राउंड टू डिग आउट इंसेक्ट्स एंड वॉर्म. क्योंकि उनको क्या करना है, उनको उस मिट्टी में से ही क्या निकालने, कीड़े मकौड़े निकाल के खाने हैं. तो ये हेल्प करेंगे, ये सिट करने में हेल्प करेंगे और ये मसल्स को टीयर करने में, फ्लैश को हेल्प करेंगे. ओके. उसके अलावा देखिए, अब डक की अगर हम बात करें, डक एंड अदर स्विमिंग बर्ड्स, जो एक्वेटिक बर्ड्स थी, उनकी फीट क्या होती है, वेब्ड. वेब्ड फीट क्यों होती है, उनको पानी में रहना है तो उनको काइंड ऑफ स्विमिंग करना है, तो स्विमिंग के जैसे पैडलर्स होते वैसे होना होगा, तो दे हैव वेब्ड फीट. दीज हेल्प्स द बर्ड वाइल स्विमिंग. ओके. देन देखिएगा आप, द लॉन्ग एंड स्प्रेड आउट टोज ऑफ क्रेन्स एंड हेरॉन्स हेल्प देम टू वॉक ऑन सॉफ्ट सरफेस नियर वाटर विदाउट सिंकिंग. अब जो ये क्रेन्स और हेरॉन्स हैं, ये वाटर में से भी अपना निकालते हैं ना प्रे, तो इनकी कैसे होते हैं हमारे, लॉन्ग एंड स्प्रेड, ताकि वाटर में रहने को हेल्प भी करें और उनको कैच करने में भी हेल्प करें, सॉफ्ट सरफेस पे वॉक कर सके विदाउट सिंकिंग. नेक्स्ट, वुडपेकर. बर्ड लाइक वुडपेकर हैव टू टोज दैट पॉइंट अपवर्ड. टू टोज हैं जो पॉइंट कहाँ करते हैं, अपवर्ड, एंड टू टोज दैट पॉइंट डाउनवर्ड. दिस इनेबल देम टू क्लाइंब द ट्री विदाउट फॉलिंग दी बैकवर्ड. ये किसमें हेल्प करता है, वो आगे चढ़ते जाए और पीछे गिरे ना. ओके. अब एक डू यू नो देखिए, क्या बहुत इंपॉर्टेंट डू यू नो है, द बी हमिंग बर्ड. जो द बी हमिंग बर्ड है वो फाइंड ओनली इन क्यूबा. कहाँ मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ क्यूबा में. एंड इट इज़ दी वर्ल्ड स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड. सबसे छोटी बर्ड कौन सी होती है, बी हमिंग बर्ड. ये सिर्फ और सिर्फ क्यूबा में मिलती है और ये लिविंग स्मॉलेस्ट बर्ड है. इज दैट क्लियर. ओके, लेट्स मेमोराइज क्विकली. कुछ वर्ड्स हमने पढ़े, स्ट्रीम लाइन. क्या मतलब था स्ट्रीम लाइन बॉडी का, ब्रॉड इन मिडल एंड नैरो एट दी एंड. हमने क्या देखा है, बोट कैसी होती है हमारी,
इस तरीके की होती है ना बोट हमारी, राइट। मिडल में क्या है, ब्रॉड है, और एंड्स में क्या है, नैरो है ना। बोट हमारी कैसे होती है, बोट हमारी ऐसी होती है ना, मिडल में क्या होती है, वो ब्रॉड होती है, और एंड्स पे क्या होती है हमारी, वो एंड पे हमारी वो स्लिम होती है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। ओके, फ्लफी, फ्लफी का मतलब लाइट और पफीनेस, राइट। लाइट हो, एयरी हो, पफी कोई चीज होती है। चिजल शेप पढ़ा था हमने, चिजल शेप का क्या मतलब होता है, चिजल एक टूल होता है जिसमें लॉन्ग मेटल ब्लेड लगी होती है और शार्प एजेस होते हैं जिसमें वुड की कटिंग करता है। अगर आपको याद हो वुड पैकर में हमने क्या पढ़ा था, चिजल लाइक बीक, बिकॉज उसको भी वुड को क्या करना होता है, ड्रिल करना होता है, तो उसकी बीक चिजल शेप्ड होती है। नेक्स्ट आता है आपका इनएडिबल ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो विच आर नॉट सुइटेबल टू बी ईटन, सच एज स्टोन, थ्रेड्स एक्सेट्रा। डक वगैरह जब पानी में है तो पानी में जो भी चीज़ें बह के आ रही है वो खाते हैं, उनमें अगर कोई स्टोन है या कुछ ऐसी चीज है जो खानी सही नहीं है उसे क्या कहते हैं, हम अनएडिबल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज रिकॉल, लेट्स रिकॉल द चैप्टर क्विकली। बर्ड्स हैव विंग, स्ट्रीमलाइन बॉडी, हॉलो बोन्स जो उनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में। सम बर्ड्स कैन फ्लाई वेयर सम आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। द बॉडी ऑफ बर्ड इज कवर्ड विद डिफरेंट काइंड ऑफ फेदर। एक्वेटिक बर्ड लिव इन वॉटर। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, नहीं होते हैं, दे यूज देयर बीक्स फॉर टियरिंग, कटिंग एंड क्रशिंग फूड। ओके, देन डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फीट एंड क्लॉज, अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन कर लिया अब हम फटाफट से, हमने बर्ड्स को तो जान लिया ना सभी ने। चलिए करते हैं, डाक इन द करेक्ट ऑप्शन इन ओएमआर शीट। हम यहाँ जो ऑप्शन टिक करेंगे आपको साथ ही साथ ओएमआर शीट में भी उसे डार्क करना है, राइट। हम यहाँ आंसर्स बता रहे हैं करेक्ट बस, बट यू हैव टू डार्क। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट का कोई सही है तो आपको वहाँ टिक नहीं लगाना, सिर्फ आपको डार्क करना। डार्क करने का मेथड आपको बताया गया है, यू हैव टू डार्क कंप्लीट डार्क, नॉट लाइक दिस आधा कर दिया, डॉट बना दिया, क्रॉस, नो, कंप्लीट डार्क लाइक दिस। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बीक ऑफ अ बर्ड दैट ईट सीड एंड ग्रेन। जो सीड एंड ग्रेन खाती है वो बीक किसकी होती है, सीड और ग्रेन की क्या होती है, ब्रॉड होती है बीक, शॉर्ट एंड ब्रॉड, तो दिस इज सी। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सी पे क्या करेंगे, आप सी पे आप पूरा फिल करेंगे, राइट। ऐसे ही करेंगे ना आप हमेशा हर क्वेश्चन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प बर्ड टू फ्लाई। बर्ड को फ्लाई करने में क्या हेल्प करती हैं, बर्ड्स हैव विंग, विंग हेल्प करती है, द बॉडी ऑफ द बर्ड इज शेप लाइक अ बोट, बर्ड्स हैव स्पेशल हॉलो बोन्स, और ऑल ऑफ द अबव। ध्यान से देखिए, विंग्स होना भी जरूरी है, उनकी बॉडी बोट लाइक यानी स्ट्रीम लाइन होती है वो भी जरूरी है, हॉलो बोन्स का होना भी जरूरी है। तो वी विल गो हियर विद दी ऑल ऑफ दी अबव, किसके साथ जाएंगे हम, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज आई एम अ फ्लैशी, आई एम अ फ्लैश ईटिंग बर्ड विद अ शार्प हुक्ड बीक, हु आई एम। आई एम अ फ्लैश ईटिंग बर्ड, फ्लैश ईटिंग बर्ड है, शार्प हुक्ड बीक है, हुक्ड बीक किसकी होती थी, याद आ रहा है आपको, इन चारों में देखिए, फ्लैश कौन खाता है, वुडपेकर खाती है, क्रेन खाता है, हैन है हमारी या आउल है, क्या पढ़ा था हमने बीक में, बर्ड्स लाइक ईगल, आउज एंड हॉक्स हैव शार्प हुक्ड टू टियर दी फ्लैश। तो क्या होगा वहां पे ऑप्शन में आपका, आउल होगा ना, यस, सो आउल इज द करेक्ट ऑप्शन ए में आप सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड मतलब जो उड़ नहीं सकती, कौन सी बर्ड है जो उड़ नहीं सकती, नहीं उड़ने वाली बर्ड के एग्जाम्पल क्या थे, ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी और पेंगुइन, रीहा, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, रीहा, कीवी, ईमू, तो कौन सी बर्ड होगी वहां पे हमारी, इनमें से कौन सी बर्ड होगी, ईगल उड़ सकती है, क्रो भी उड़ सकता है, क्रेन भी उड़ सकती है, ये क्या है हमारी, ये हमारी बर्ड है फ्लाइटलेस बर्ड, ओके, जो उड़ नहीं सकती है। अब आते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स पे, फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग दी वर्ड्स गिवन बिलो। फ्लाइटलेस, फ्लाइट, ये सारे वर्ड हमें दिए हुए हैं, अब हमें इन वर्ड्स को क्या करना है, फिल करना है। देखते हैं, फर्स्ट इज डैश फेदर हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, कौन सा फेदर होता है,
बर्ड की बॉडी में तीन तरीके के फेदर होते हैं, जो फ्लाइट फेदर होता है वो हेल्प करता है, तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा फ्लाइट। नेक्स्ट है हमारा स्वान्स आर बर्ड्स विच लिव इन, स्वान्स कैसी बर्ड्स हैं जो कहाँ रहती हैं, वाटर में, तो क्या लिखेंगे हम, वाटर। नेक्स्ट इज अ पैरट ईट डैश एंड डैश, पैरट क्या खाते हैं, पैरट की शॉर्ट कर्व बीक थी ना, क्योंकि उनको नट्स और सीड्स खाने होते हैं, तो ये हो गया हमारा थर्ड, नट्स और सीड्स। पेंगुइन इज अ डैश बर्ड, पेंगुइन कैसी बर्ड है, पेंगुइन फ्लाई नहीं कर सकती तो वो हमारी फ्लाइटलेस बर्ड है, राइट। फ्लाइटलेस बर्ड, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है एक्वेटिक बर्ड्स लाइक डक हैव डैश फीट, उनको पानी में रहना होता स्विमिंग करने के लिए, तो कैसी होती है उनकी, वेब्ड फीट। नेक्स्ट इज द डैश फेदर हेल्प द बर्ड टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग, कौन से फेदर, जो उनके टेल के फेदर होते हैं, सो सिक्स विल बी दी टेल फेदर, इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट है हमारा राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, करें फटाफट से हम देखें स्टेटमेंट्स को। ईमू हैज, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, ये आपको विजिबल है, ईमू हैज सॉलिड एंड हैवी बोन्स, ईमू फ्लाइटलेस है तो उसकी बर्ड्स क्या हैं, सॉलिड और हैवी हैं, तो ये क्या हो गया हमारा टी फॉर ट्रू, करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है क्रेन्स हैव नेल लाइक शार्प क्लॉज, जो क्रेन्स हैं उनकी नेल्स नेल लाइक शार्प क्लॉज होती हैं, नहीं होती हैं, शार्प क्लॉज नेल्स लाइक किसकी होती है, हैंड्स की होती हैं, तो क्रेन्स की नहीं होती, तो ये क्या हो गया एफ फॉर फॉल्स। देन वी हैव डाउन फेदर ट्रैप एयर एंड कीप द बर्ड वार्म, जो डाउन फेदर होती हैं क्या करती है, एयर को ट्रैप करती हैं और बर्ड्स को वार्म रखती हैं, हमने पढ़ाया था जब हमने फेदर पढ़ा था कि यस ऐसा करती हैं, राइट। तो देखा आपने, हमने कहा देखा था एक्वेटिक बर्ड में जब हमने वेदर फेदर देखा था तो क्या देखा था हमने, जो डाउन फेदर होती हैं एयर को ट्रैप करती हैं और क्या रखती हैं, बर्ड्स को वार्म रखती हैं। ऑल्सो ये टेबल आपको याद रखनी है और आपको देखना है कि जो इनके क्लॉज होते हैं वो किसके होते हैं, हेन के होते हैं, राइट। हमारे हेन के जो क्लॉज हैं वो होते हैं हमारे नेल लाइक, हमारे किसके नहीं होते हैं, क्रेन्स के नहीं होते, तो ये हो गया हमारा एफ फॉर फॉल्स, डाउन फॉर द ट्रैप करती हैं, तो ये हो गया टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट है हमिंग बर्ड यूज देयर बीक टू सक नेक्टर ऑफ द फ्लावर, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, तो ये हो गया हमारा ट्रू। अ वुड पेकर हैज अ शॉर्ट बीक विच हेल्प इट टू, क्या वुड पेकर के पास शॉर्ट बीक है जो उसको ग्रेन को खाने में हेल्प करती है, नो, चिजल लाइक बीक है, तो ये क्या हो गया है फॉर फॉल्स। एंड द लास्ट इज हेंस हैव अ लॉन्ग बैक टो पॉइंटिंग बैकवर्ड, क्या हेंस के पास होते हैं लॉन्ग बैक टो पॉइंटिंग बैकवर्ड, क्रो के पास होते सो दैट इट कैन सिट ऑन अ वायर और अ ब्रांच, राइट। तो अगेन दिस इज फॉल्स, एफ फॉर फॉल्स, सो वी हैव रिटेन ट्रू एंड फॉल्स, इज दैट क्लियर टू यू, विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बर्ड्स, बर्ड्स के बीक, बर्ड्स के फेदर, बर्ड्स के विंग्स, टाइप्स ऑफ बर्ड्स, क्लियर टू ऑल, प्लीज गो थ्रू द चैप्टर वंस अगेन, एंड इफ एनी डाउट Remember it, rewatch the video and please remember the tables which is given to you, okay? Thank you for your understanding. Thank you so much.